नमस्कार। इस समय पूरी राजनीति का केंद्रीय मुद्दा बीजेपी के द्वारा सुनियोजित तरीके से राम मंदिर बना हुआ है। लगातार इसको लेकर के टिप्पणियां सामने आ रही हैं। मीडिया को जिस एक बड़े काम के लिए लगा रखा गया है वो बखूबी वो कर रहे हैं। हर एक व्यक्ति से मतलब दिन रात, पहला काम तो उनका ये कि दिन रात इसी मुद्दे पर बहस होती रहे ताकि और सारे विषय गौड़ हो जाए, तो इस काम को वो बखूबी निभा रहे। और दूसरी तरफ वो लगातार विपक्षी दल को इसी मुद्दे के इर्द गिर्द घेरना चाहते। कोई भी विपक्षी दल का नेता हो, मीडिया उसके सामने पहला ही सवाल ये पूछते हैं, राम मंदिर को लेकर आप क्या सोचते हैं, मंदिर जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ताकि बहस उसी के आसपास होती रहे। अगर वो हां बोले तो भी बीजेपी का फायदा, अगर वो ना बोले तो भी बीजेपी का फायदा। इस पूरी सियासी परिदृश्य में एक नेता ऐसा निकला जिसने बहुत सलीके से, बहुत कायदे से विमर्श को एक नई दिशा दे दी। आज के वीडियो में हम बातचीत करेंगे बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव के इस बयान पर, जिसको लेकर के लगातार अब ये चर्चा हो रही है। मीडिया के कुछ बहुत सारे लोग तेजस्वी प्रसाद के बयान को लेकर उन्हें घेर रहे हैं, तो आज जरा देखने और समझने की कोशिश करेंगे कि तेजस्वी यादव ने कैसे कई तरह के सियासी संकेत दिए हैं, जिसके चलते आने वाले वक्त में वो राजनीति किस तरह बदल सकती है। स्वागत है आप सबका 4 PM न्यूज नेटवर्क पर। मैं हूं डॉक्टर लक्ष्मण यादव। तो आजकल सब कुछ राममय है, राम को लेकर के सब जगह विमर्श तेज हो गया है। अब तो राम को लेकर एक ही तरह का विमर्श है। अकादमिक जगत के लोगों ने, बुद्धिजीवियों ने, साहित्य, हिंदी साहित्य के लोगों ने, संस्कृति कर्मियों ने शायद अब उन गुंजाइशों पर काम करना बंद कर दिया है जो आज से पहले लगातार काम करके इतिहास, तथ्य और प्रमाण के साथ वो बहस किया करते थे कि संस्कृति के कितने विविध रूप होते हैं। राम कोई एक राम नहीं है। खुद दो बड़ी रचनाएं अगर मान लें, वाल्मीकि रामायण के राम और रामचरितमानस के, यानी तुलसीदास के रामचरितमानस के राम, दोनों में बहुत फर्क दिखेगा। मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूं। वाल्मीकि के राम अग्नि परीक्षा लेते हैं सीता से, तुलसी के राम अग्नि परीक्षा नहीं लेते। वाल्मीकि के राम शंभूक का वध करते हैं केवल इस नाते क्योंकि एक शूद्र तपस्या करने वाला वह काम कैसे करने लगा राम राज्य में, जिस काम पर केवल और केवल ब्राह्मण का अधिकार है, उसकी हत्या हो जाती है। लेकिन तुलसीदास के रामचरितमानस में यह भी प्रसंग नहीं है। इसका मतलब यह है कि राम एक ऐसे चरित्र रहे हैं साहित्यिक सांस्कृतिक वांग्मय के, जिन पर बहुत तरह की बातें बहुत तरह से लिखी गई हैं। एक ही रामानुजन का एक लेख है जिसका नाम ही है 300 रामायण। अब तो वो लेख ऐसा लगता है कि चर्चा से बाहर है, वरना इस देश में कम से कम यह तो बात होती कि कई किस्म के रामचरितमानस की कथाएं हैं, कई किस्म के राम हैं, ये एक राम है। और जय श्री राम, जय राम, सीता राम, इन सब में कितना बुनियादी अंतर है। अब तो इस पर बहस नहीं हो रही, अब इस पर कोई बोलता भी नहीं। टीवी पर एक ही तरह से चीख चीख करके केवल ऐसे विमर्श होता है जैसे लगता है कि एकमात्र सच यही है जिस पर बात हो रही है। एक ही चेहरा राम का है जो बीजेपी और आरएसएस के लोग दिखाना चाह रहे हैं, एक ही चरित्र है राम का और उसकी एक ही व्याख्या है। अब भूल जाइए, अब ये सब तो कुछ हो भी नहीं रहा, तो छोड़ देते हैं हम भी। आइए, सियासत हो रही है तो सियासत पर ही बात करते हैं। मैं इसलिए इन सब चीजों का संकेत कर देता हूं क्योंकि मेरी PhD तुलसीदास पर है, थोड़ा पढ़ा है हमने, लेकिन अफसोस होता है कि अब लोग साहस नहीं रखे, अब लोग नहीं बोलते, अब लोग चुप हो गए हैं, या तो उन्हीं के रंग में रंग गए हैं। लेकिन हाँ, सियासत हो रही है। कुछ धर्म गुरु, कोई पीठाधीश्वर, शंकराचार्य, उनमें से कहीं कहीं कोई साहस के संकेत नजर आ जाते हैं तो वो लोग सवाल पूछ दे रहे हैं। एक शंकराचार्य हैं पुरी के, उन्होंने कह दिया कि मोदी हैं तो हम क्या करने जाएंगे।
उसका एक संकेत तो यह भी लोगों ने निकाला कि भाई मोदी क्या ओबीसी जाति का अपने को बताते हैं, इसलिए वो शंकराचार्य इसका विरोध करें, क्योंकि कुछ दिन पहले वो आरक्षण का भी विरोध कर रहे थे। लेकिन एक विरोध का असर तो ये लोग निकाल ही रहे हैं कि ये कोई धार्मिक कृत्य नहीं हो रहा जो अयोध्या में होने जा रहा। दिग्विजय सिंह ने एक सवाल उठा दिया कि वो जो पुरानी मूर्ति थी जो प्रकट हुई थी, जो जो वहां थी पहले से, वो मूर्ति कहाँ गई, अब नई मूर्ति कहां से आ रही है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा क्यों हो रही है। इस तरह के विवाद सामने आ रहे हैं। कई नेताओं के ऐसे भी विवाद सामने आ गए कि राम अब ऐसा लगता है कि वो नहीं मानते राम को, तो बीजेपी हमलावर हो जाती है। एंकर ऐसे चीख करके सवाल पूछता है कि अगर उसके हाथ में धनुष और बाण होता तो अभी तो वो नरसंहार कर देता, क्योंकि जो राम पर सवाल पूछ दे वो पापी है। राम हिसाब करेंगे नहीं करेंगे उसका इंतजार ही वो नहीं कर रहा है, एंकर हिसाब कर देगा। गांव कस्बों में लोग अब इसे लेकर इतने भावात्मक हैं कि अब इस पर कोई बोलना नहीं चाहता। इसका मतलब राम नैया पार लगाने के लिए अब एक बार फिर से पूरी तरह तैयार कर दिए गए हैं, वरना ये सारा काम धार्मिक होना चाहिए था, जो धर्म के मानने वाले लोग हैं। और भारत का संविधान हर धर्म के मानने वाले लोगों को आजादी देता है, उनको पूरा अधिकार है कि वो मंदिर बनाएं, उनको पूरा अधिकार है कि धर्म के लोग अपने धार्मिक काम करें, संविधान उनकी रक्षा भी करता है। और बतौर नागरिक हम किसी पर ये सवाल नहीं उठा सकते कि ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए। सब धर्म फले फूले, धर्म के मानने वाले लोग धर्म का प्रचार करें, इसका अधिकार है। लेकिन कोई पॉलिटिकल पार्टी इसको माइलेज ले तो फिर बात तो होगी। हम ये भी नहीं कह रहे कि तुम्हें माइलेज नहीं लेना है, भाई आपका एजेंडा रहा है, आप 30-40 साल से राम के नाम पर सियासत करते रहे हैं और जय श्री राम के नारे को पॉलिटिकल स्लोगन की तरह इस्तेमाल किया गया। ये जय श्री राम का नारा एक पॉलिटिकल स्लोगन रहा, इसलिए इसका विरोध भी होता रहा। राम का विरोध इस तरह से नहीं हुआ है। राम को लेकर के आज की तारीख में कोई नहीं कहता कि नहीं मंदिर नहीं होना चाहिए, भाई वो ये कहेगा कि मंदिर आपको बनाना है बनाए, संविधान उसकी इजाजत देता है। लेकिन अब बहस हो रही है मंदिर को लेकर के, राम की नैया जो मोदी की नैया है, इस चुनाव में राम को लेकर के कैसे पार लगाई जाए। ऐसे वक्त में बिहार के नेता और राजदी के नेता और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का एक बयान बड़ी तेजी से वायरल हो गया। वो बयान क्या है कि बीजेपी ऐसी राजनीति करती है कि दिन रात मंदिर मंदिर मस्जिद मंदिर पाकिस्तान ये सारे मुद्दों पर ही राजनीति करते रहना चाहती है। तेजस्वी यादव ने अपने बयान में एक बात बोली कि अगर आपके पैर में चोट लग जाए तो मंदिर जाते हैं कि अस्पताल जाते हैं। तेजस्वी ने आगे बोला कि अगर आपको भूख लग जाए तो रोटी खाने के लिए मंदिर जाते हैं, वहां तो मंदिर में और देना ही पड़ जाता है। इसका मतलब क्या है? यहीं से राजनीति शुरू हो गई। फिर से तेजस्वी प्रसाद यादव के इस बयान के बाद बीजेपी के बड़े नेता, जैसे एक नेता बिहार में ऐसे हैं जिनको वो बीजेपी ने रखा ही इसलिए है कि उनको दिन रात लालू परिवार और नीतीश कुमार के ऊपर केवल अनर्गल प्रलाप करना है, बेबुनियाद अस्तरहीन किसी भी स्तर तक जा करके हर, मतलब बीजेपी का काम करने का तरीका है, देखिए कि हर राज्य में ऐसे 2-4 नेता ऐसे रख रखी है जिनका एक ही काम होता है कि विपक्षी दल के नेताओं का चरित्र हनन करो, और ऐसे ही कुछ पत्रकार भी उन्होंने रख रखे हैं। और उनमें से एक पत्रकार है सुशांत सिन्हा, जो पहले किसी और चैनल में हुआ करता था, आजकल वो किसी और चैनल में है और बड़े हिंसक उत्तेजक बात में वो लिखता है ट्वीट। तेजस्वी यादव जिस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं उससे वैसी टिप्पणी उन्होंने किसी और धर्म के खिलाफ कभी क्यों नहीं की। अरे भाई तेजस्वी किसी और धर्म के हैं क्या कि उनके बारे में बोलेंगे? तेजस्वी अपने धर्म के बीच की बात कर रहे हैं कि भाई बार बार आप इसी तरह के सांप्रदायिक मुद्दों पर चर्चा क्यों करते हैं, शिक्षा और रोजगार पर चर्चा क्यों नहीं करते? तो उसने कहा कि शिक्षा और रोजगार पर दूसरे धर्म वाले चर्चा क्यों नहीं करते, इसका मतलब वो मानता है कि चर्चा होनी चाहिए। लेकिन उस ट्वीट को अगर आप आगे पढ़ेंगे तो वो कहता है कि चारा खा गए, तेजस्वी यादव के ऊपर चारा घोटाले का कोई आरोप नहीं है। ये आरोप बिहार के पहले मुख्यमंत्री रहे जगन्नाथ मिश्रा पर है
और लालू प्रसाद यादव पर है। और लालू प्रसाद इस पर फिर कभी बात होनी चाहिए कि लालू प्रसाद यादव जिन्होंने खुद मुख्यमंत्री रहते इस घोटाले की जांच शुरू कराई, जगन्नाथ मिश्रा ज्यादा दोषी पाए गए, लालू प्रसाद के भी ऊपर आरोप सिद्ध हुआ, लेकिन देश और दुनिया में बाकायदा जानबूझकर एक नेता की छवि को इतना धूमिल कर दिया गया क्योंकि वो किसी का रथ रोकने में कामयाब हो गया था। ऐसे वक्त में तेजस्वी यादव के इस बयान पर हमला करते हुए कई स्तरहीन कमेंट हुए जिसमें तेजस्वी यादव को भी चारा चोर कहा गया। और ये एक एंकर, एक पत्रकार, एक टीवी के लोग कर रहे हैं। कभी कल्पना करिए कि उस एंकर ने न तो तेजस्वी यादव का पूरा बयान सुना होगा और उसका कोई विश्लेषण नहीं किया होगा, और न तो तेजस्वी यादव के काम पर अपने टीवी चैनल में कोई एक डिबेट भी किया होगा। ये मेरी गारंटी है। तेजस्वी ने अपने उसी बयान में क्या बोला कि वो तलवार बांटना चाहते हैं, हम कलम बांटना चाहते हैं, हम कलम को लेकर के राजनीति करना चाहते हैं। आजाद भारत के इतिहास में एक साल में 5 लाख नौकरियां देने का रिकॉर्ड किसी और सरकार के पास होता तो अब तक क्या हो जाता। इसका मतलब यह है कि अगर नौकरी हमने दी तो उस पर आपने कभी चर्चा क्यों नहीं की। क्या इस देश में नौकरी बहस का मुद्दा नहीं है? वो सारे टीवी चैनल जो लाइव टेलीकास्ट चला रहे हैं राम के अयोध्या से, वो तो एक पार्टी के एजेंडे में फिट बैठ गए हैं। ऐसे वक्त में जो हिम्मत तेजस्वी यादव ने दिखाई वो हिम्मत काबिले तारीफ है। किसी भी राजनेता को आज के समय में, खासकर मैं राजनेता पर अगर बात करूं, तो एक राजनेता को कभी भी उस भाषा में टिप्पणी नहीं करनी चाहिए जिस भाषा में एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक बुद्धिजीवी या एक अलग से सामाजिक सांस्कृतिक काम करने वाले लोग करते हैं। राजनेता की टिप्पणी राजनेता की मर्यादा में होनी चाहिए। जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य, जैसे फतेह बहादुर सिंह, जैसे कई कई लोग हैं। लेकिन एक बात क्या करेंगे, जिन सामाजिक कार्यकर्ताओं को, जिन बुद्धिजीवियों को, जिन प्रोफेसरों को, जिन लिखने पढ़ने वाले लोगों को ये बातें बोलनी चाहिए, वो तो चुप हो गए। आज को सारे चुपचाप अपना कोई कविता लिख रहा, कोई कहानी लिख रहा, और 2-4% कोई अपवाद बोल भी रहा होगा तो उसकी आवाज न कारखाने में तूती की तरह है, बाकी सब तो अवार्ड लेने के लिए वहां झुके पड़े हैं लचकदार कमर के साथ। तो अब वो भूमिका जो समाज में राजनीति के अलावा एक जमाने में साहित्य निभाया करता था, एक संस्कृति निभाई करती थी, कला और बुद्धिजीवी निभाया करते थे, विश्वविद्यालय निभाया करते थे, क्या आप कहीं से कुछ इस तरह के विमर्श देख पा रहे हैं? सब शून्य है। ऐसा लगता है कि सब एक ही रंग में रंग गए। ये प्रोफेसर, पढ़े लिखे लोग, सामाजिक कार्यकर्ता, अब कोई नहीं बोलता। अब क्या करेंगे? बोलने वाले तो जेल में हैं, यह भी एक खतरा है, बुलडोजर चल रहा है। तो खैर, नेता को क्यों इस तरह के बयानों से बचना चाहिए, मेरी टिप्पणी उस पर यह होती है कि आपके बयान से समाज सुधार नहीं होता। आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता होते हैं, उस पार्टी के एजेंडे पर बात करिए ताकि उस एजेंडे के जरिए आप आम लोगों को यह समझा सकें कि आपकी पार्टी को वोट दे करके वो सत्ता में बैठाए, और तब आप उनके एजेंडे पर काम करके लाखों लाख लोगों के परिवार और उनके जीवन को बदल कर अच्छा और बेहतर बनाने में कामयाब हो सके। राजनीति का काम तो यही, राजनीति सत्ता के लिए होती है, राजनीति सीट जीतने के लिए होती है। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी का गठन हुआ है तो वो तो चाहेगी ना कि सरकार बनाए वो। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी कहती है कि हम सरकार बनाएंगे तो हम स्मार्ट ट्रेन चलाएंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, अच्छे दिन ले आएंगे, 15 लाख रुपया देंगे, बुलेट ट्रेन चलाएंगे, वो सारे चीजों को हम बिकने नहीं देंगे, तो इस एजेंडे पर कोई नेता बात करता है तो उस एजेंडे पर बात करके वो सरकार बनाता है तो वो काम पूरा करता है। लेकिन इस देश में इस एजेंडे के पीछे कोई एक पॉलिटिकल पार्टी धर्म के नाम पर, राम के नाम पर सत्ता पाती है तो अपने एजेंडे को पूरा नहीं करती, फिर उसका कोर एजेंडा धर्म ही होता है, तो वो जब सरकार बना लेती है तो धर्म पर ही बात करती है, हमने मंदिर वही बना दिया, 370 हटा दिया, ट्रिपल तलाक ले आए, अब तो देखो हिंदू राज आने वाला है, हिंदू मैं, सब कुछ हिंदू मैं, ये उसका कोर एजेंडा था, तो वो कोर एजेंडे पर बात करते हैं।
दिन रात उसी पर डिबेट करते हैं, आज ताकतवर हुए हैं तो अपने एजेंडे को लागू कर रहे हैं। बाकी द्विपक्षीय दल उनको इनके पिच पर खेलने की क्या मजबूरी। जैसे विपक्षी दल के नेताओं के सामने जैसे ही माइक लगाया जाता है, और खुद तेजस्वी यादव अपने उस बयान में कहते हैं कि मीडिया वाले लोग हैं जैसे ही आएंगे माइक लगा देंगे कि बताइए राम मंदिर जाएंगे कि नहीं, मंदिर पर क्या कहना। अरे भाई क्यों हम उस पर हमसे सवाल पूछते हो, हम जाना होगा जाएंगे, नहीं जाना होगा नहीं जाएंगे, लेकिन हम शिक्षा पर बात करना चाह रहे हैं, हम रोजगार पर बात करना चाह रहे हैं और हम कुछ डिलीवर करके दे रहे हैं। आपने कभी इस पर डिबेट क्यों नहीं कराई? ये है वो पिच जो एक नेता को अपनी गढ़नी चाहिए। और इसलिए मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के इस धर्म केंद्रित राजनीति का सबसे बेहतर जवाब देने की कोशिश तेजस्वी यादव ने की। विरोध नहीं किया, सवाल पूछा, जनता के बीच जाकर सवाल पूछा। जनता भी तो यही पूछ रही है, जिसे मंदिर जाना होगा वो मंदिर जाएगा। तेजस्वी यादव के बयान में एक लफ्ज भी किसी मंदिर और राम के विरोध में नहीं है। खुद तेजस्वी यादव अपने बयान में कह रहे हैं कि राम राज का मतलब क्या होता है। राम होते तो इस बात से खुश होते ना कि सबको शिक्षा मिले, सबको रोटी मिले, सबको नौकरी मिले। राम का राज तो ऐसा राज होना चाहिए जहां सबका कल्याण हो, ऐसा राज तो नहीं कि सबको लड़ाया जाए, किसी दूसरे धर्म वालों को चढ़ाया जाए। आप सोचिए ना, ये विस्तार है। और अगर कोई नेता, बड़ा नेता, इस तरह का संतुलित तार्किक बयान दे तो ये राजनेता की भूमिका है। राजनेता को किसी धर्म के खिलाफ बोलने की जरूरत ही नहीं, वो काम बुद्धिजीवियों का भाई उन्हें करने दीजिए। और अगर आपको समाज बदलने की चिंता है तो फिर राजनीति से दूर हट जाइए, क्योंकि राजनीति समाज बदलने के संभव ही नहीं है। वो राजनीति के जरिए आप कम वक्त में ज्यादा लोगों के जीवन को बदल सकते हैं, लेकिन बहुत पूरी आबादी को किसी किस्म की बीमारी से एकदम आजाद कभी नहीं कर सकते। राजनीति दर्द का दवा होती है, और दर्द की दवा भी कोई कम नहीं अहमियत रखती है। दर्द की दवा भी होती है और अच्छे से होती है, लेकिन राजनीति में आप समाज सुधार की भाषा बोलेंगे, क्रांति की भाषा बोलेंगे, तो आज के दौर में जब मीडिया आपके साथ नहीं है, आपका कोई पक्ष दिखाने वाला नहीं, आपके बयान का एक टुकड़ा काट लिया जाएगा और आपके समेत आपकी पूरी पार्टी को ऐसा चरित्रहीन, जैसे तेजस्वी यादव को चारा चौक कह दिया, ऐसे अगर विश्लेषण किया जाएगा तो आपके पास अल्टरनेट तो होता नहीं। आपने अपने पार्टी के संगठनों को कमजोर कर दिया, जो गांव में जाकर आपके आपके नेता की कही गई बात को समझा पाते। तो गांव में संगठन है नहीं, गांव में भी आरएसएस के लोग हैं। तो नेता को इसलिए इतना संतुलित बोलना चाहिए कि उसके बयान से किसी भी धर्म के खिलाफ कोई बात नहीं जानी चाहिए। तार्किक बात करें, अपने एजेंडे पर बात करें। इस लिहाज से कहें तो तेजस्वी यादव ने राम केंद्रित पूरी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के सामने, विपक्षी दल के नेताओं के भी सामने एक कमाल का विकल्प पेश कर दिया है। संतुलन के साथ, संयम के साथ, मर्यादा में रहकर, उनकी पिच पर जाए बिना अपनी पिच पर उन्हें खींच लाने का यह बयान है। अब मजबूरी में शिक्षा पर बात तो करोगे ना, फिर बांटने जा रहे हैं वो 13 जनवरी, शायद उन्होंने डेट दी है, 1,00,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटने जा रहे हैं बिहार के नीतीश कुमार तेजस्वी यादव सरकार के लोग, फिर से बांटने जा रहे हैं। ऐसे एजेंडा सेट होगा, राजनीति यहां खड़ी होगी। अब आज की तारीख में तमाम नेता तो इस बात के लालायित है, हमको बुलाएंगे कि नहीं, हमको बुलाएंगे कि नहीं, बुलाएंगे तब भी जाएंगे, नहीं बुलाएंगे तब भी जाएंगे, हम मानते, मत बोलिए उस पर आप ना, आप मानते, वो निजी विषय आपका है, आप उस पर जाइए मत, क्योंकि मीडिया वाले आपको उस पर बार बार ले जा करके फिर फुटेज चलाते हैं टीवी पर। देखो बीजेपी की पिच पर आने को मजबूर हो गए वो लोग जो राम विरोधी, तो इसमें भी आपके विरोध में चलेगी खबर। अगर आप इसके विरोध में बोलेंगे कि मंदिर नहीं जाएंगे तो और आपके विरोध में चली जाएगी। मुझे लग रहा है तेजस्वी यादव ने इसलिए ये बात कही कि नौकरी पर बात कब होगी, शिक्षा पर बात कब होगी। मंदिर बनाना धार्मिक लोगों का काम है, वो अपना काम कर रहे हैं, जिसको जाना होगा जाएगा, जिसको नहीं जाना होगा नहीं जाएगा। नेता का काम है लोगों का जीवन खुशहाल कैसे हो, उस एजेंडे पर बात करना। और मुझे लगता है यहीं से इंडिया गठबंधन को एक संकेत मिलता है, अनर्गल ऐसे बयान देने से जिससे कि आपके आपके लोग पढ़े लिखे नहीं भाई, वो नाली के गैस से चाय बनाने वाली बात को आज भी सच मानते हैं, वो बादल आ जाए तो रडार नहीं काम करेगा इस बात को आज भी सच मानते हैं,
वो इस बात को आज भी सच मानते हैं कि सिकंदर और पोरस जाके नेपोलियन से मिल गए थे। वो आज भी सच मानते हैं कि कबीर, गोरखनाथ और विवेकानंद एक साथ बैठ के बतियाते थे। प्रधानमंत्री ने जो जो बोला सब सच मान लिया, और प्रधानमंत्री से एक सवाल आपके देश की जनता उस तरह से नहीं पूछ पा रही। कोरोना माता का मंदिर बना रही, ताली बजा के कोरोना भगा रही थी। आप अपने देश की नब्ज को पकड़िए। आपके देश की जनता 5 किलो अनाज पे देने वाले को मसीहा मान बैठी है। उस जनता को अगर आपको समझाना है तो आप अचानक उसे नास्तिक बनाने वाली भाषा बोलेंगे तो वो तुरंत आपके खिलाफ खड़ा होगा, और बाकी बीजेपी और उसकी पूरी टीम चली तैयार बैठी है, वो आपको आपका आपको विलन बना देगी। आप राजनीति फिर नहीं कर पाएंगे, बाकी आप क्या कर पाएंगे वो वक्त बताएगा, लेकिन राजनीति बिल्कुल अलग चीज है। और आज के दौर में राम केंद्रित राजनीति में तेजस्वी यादव ने जो संयम, तर्क और विवेक के साथ अपने पिच, अपने एजेंडे पर पूरे विमर्श को खींचा है, मुझे लगता है कि पूरे इंडिया गठबंधन को ऐसी चीजों से यह एक रास्ता दिखाता है। उनकी पिच पर मत जाइए, अपनी पिच पर, अपने एजेंडे पर आम जनता के बीच जाइए, उन्हें समझाइए कि हाँ, हम शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, रोजगार, महंगाई पर ये कर रहे हैं, और हमें अगर आपने मौका दिया तो हम ये करेंगे। मेरा पूरा भरोसा है कि राम को मानने वाले भी राम के दुरुपयोगी, राजनीति के दुरुपयोग किए जाने पर नाराज तो होंगे, और थोड़े से लोग भी अगर उनकी तरफ से आपकी तरफ आ गए तो कम से कम सियासी रूप से आप कामयाब होंगे। वरना उन्होंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा एजेंडा केंद्र में रख दिया है, राम मंदिर। वो चुनाव भी उसी पर लड़ने जा रहे हैं, मीडिया उन्हीं का साथ देगी, सब कुछ उन्हीं के पक्ष में है। ऐसे में पूरी रणनीति विपक्षी दलों को बेहद संयम, बेहद धैर्य और अपनी पिच की बनानी होगी, वरना वो सारे लोग तैयार बैठे हैं आप ही को दुश्मन करार के, आप ही के लोगों का वोट लेकर, आप ही के लोगों को तबाह और बर्बाद करने के लिए। आपका क्या मानना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।